उसने सपना देखा था राजनीति की चकाचौंध में उतरकर जयपुर शहर की प्रथम नागरिक बनने का, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के लिए जिस राह को चुना उस राह ने पहुंचा दिया उसके अंजाम तक। मेयर बनने का सपना देखने से लेकर गैंगस्टर से दोस्ती और फिर सलाखों के पीछे पहुंचने की लेडी डॉन की दिलचस्प कहानी इस रिपोर्ट में देखिएगा। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में बड़े सपने छिपाए इस युवती ने अपने घर से बाहर कदम रखा तो सोचा था कि राजनीति में उतरकर जयपुर के महापौर बनकर अपनी पंचायत लगाएंगे, लेकिन इस सपने के आड़े आई पैसे की तंगी। फिर क्या था, दिन रात एक ही सोच कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे बना जाए मेयर। लंबे इंतजार के बाद आखिर इस खूबसूरत पला के शातिराना दिमाग को वो रास्ता दिखा जिसके जरिए जल्दी पैसा कमाकर वो अपना सपना पूरा कर सके, जिसके लिए न केवल गैंगस्टर से दोस्ती की बल्कि उसे नजदीकियां बढ़ाकर भरोसा जीता। फिर शुरू हुई खूबसूरत पला की शातिराना दिमाग में चल रही शातिर खेल की कहानी। पुलिस की गिरफ्त में आई युवती प्रताप नगर इलाके में रहने वाली खुशी चेलानी है। खुशबू उर्फ खुशी चेलानी की इंस्टाग्राम पर पटियाला जेल में बंद गैंगस्टर रविंद्र उर्फ काली शूटर से दोस्ती हुई थी। दोस्ती के 3 साल बाद खुशी ने काली से अपने मन की बात कह डाली। बताया कि उसे जयपुर का मेयर बनना है, इसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। 3 साल की झूठी दोस्ती और झूठे प्यार में अंधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शातिर शूटर रविंद्र उर्फ काली ने उसके इस सपनों को पूरा करने के लिए हामी भर दी और जयपुर शहर के अमीर आदमियों का फोन नंबर मांगा, कहा कि बाकी मैं देख लूंगा। इस संपूर्ण घटनाक्रम के खुलासे के पश्चात में जो आरोपी है खुशी चेलानी करके, जिसको गिरफ्तार किया गया, वो स्थानीय जयपुर की ही यहाँ की नेटिव है और चूंकि इस अपराधी के शुरू से इसका क्रिमिनल माइंडसेट रहा है, साथ ही साथ इसके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे, उन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए इसके द्वारा पंजाब की जेल में सजा याफ्ता जो मुलजिम है बेसिकली काली शूटर, उससे जरिए इंस्टाग्राम, इसने एक दो इंस्टाग्राम चला अकाउंट चलाती है, एक इंस्टाग्राम से अपनी एक्टिविटीज़ हैं इसकी पॉलिटिकल और दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इसने संपर्क किया उससे शूटर से और 2-3 सालों से इसको कंप्लीट अपने भरोसे में लिया। खुशबू और खुशबू चेलानी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती और इसी दौरान एक रक्तदान शिविर में उसकी मुलाकात राजस्थान अस्पताल के मालिक श्याम सुंदर अग्रवाल और ब्रेन टावर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के मालिक डॉक्टर सुनीत शाह से। खुशी ने सोच लिया कि दोनों डॉक्टर पैसे वाले और उसने पटियाला जेल में बंद काली शूटर को दोनों के मोबाइल नंबर दे दिए। फिर क्या था, अपने प्यार के सपने को पूरा करने के लिए काली शूटर अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे गैंग के सदस्यों को दोनों डॉक्टर से 50-50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के निर्देश दिए। वहीं गैंग के सदस्य हनुमानगढ़ निवासी राहुल उर्फ मिनी पेट्रोल और हर्ष भादू को जयपुर पहुंचने का आदेश दिया और कहा कि पहले दोनों डॉक्टर्स की रेकी करें, फिर उनसे संपर्क करें, अगर दोनों पैसा देते हैं तो ठीक, नहीं तो दोनों पर फायर कर दें। इसके बाद राहुल और हर्ष भादू जयपुर पहुंचे, राजस्थान अस्पताल के पास एक होटल में ठहर कर रेकी करना शुरू किया। इधर रंगदारी का फोन आने के बाद दोनों ही डॉक्टर्स ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने दोनों डॉक्टर्स को सुरक्षा मुहैया करवाई और मामले की जांच शुरू कर। पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए सबसे पहले राहुल उर्फ मिनी पेट्रोल और हर्ष भादू को उठाया। पूछताछ में सामने आया कि पटियाला जेल में बंद काली शूटर्स इसका मास्टरमाइंड है। ऐसे में प्रोडक्शन वारंट पर काली को गिरफ्तार कर जयपुर ले आई, जिसे पूछताछ में खुशबू और खुशी चेलानी का नाम सामने आया, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी बेसिकली जिनको पुलिस को द्वारा पकड़ा गया, मिनी पेट्रोल को और हर्ष को, ये दोनों करीब सप्ताह भर तक यहाँ पे जयपुर में रुके हैं। इन्होंने विभिन्न विभिन्न स्थानों पे होटलों में पेइंग गेस्ट हाउसेज में रुके हैं आईडीज दे दे करके ये, और उसका मकसद था बेसिकली जो जिसको थ्रेट कॉल दी गई थी उस व्यक्ति के प्रतिष्ठान है जैसे हॉस्पिटल है उसके घर की कंप्लीट ट्रैकी करनी, क्योंकि अगर थ्रेट कॉल को अगर मेटलाइज नहीं हो पाती है तो उसको बेसिकली अगले कदम में जाके इनको डराने के लिए उसके ऊपर फायरिंग करनी थी, तो कंप्लीट एक्सरसाइज इन दोनों आरोपियों के द्वारा यहाँ पे रह करके की गई थी। बहरहाल लेडी डॉन खुशी चेलानी की जो ख्वाहिशें और सपने थे उन पर जयपुर पुलिस की तत्परता ने पानी फेर दिया और ये कार्रवाई उन लोगों के लिए भी सबक है जो जल्द ही ऊंचाइयों को छूने के लिए अपराध की दुनिया की राह चुनते हैं। सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।